नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं बताने वाला हूं वो छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप जब भी आप यूज़ करते हो फोटोशॉप में तो उसमें कलर डेप्थ होते हैं लाइक 8 bits, 16 bits एंड देन 32 bits। तो वो होते क्या है और उसको हम लोग किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं, ओके। तो वो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या डिफरेंस आते हैं 8 bits, 16 bits एंड देन 32 bits में। तो बहुत छोटी सी टॉपिक है लेकिन इसको कवर करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आते हैं और बार बार आते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैं ये दिखाने वाला हूँ कि जब भी हम लोग फोटोशॉप को यूज़ करते हैं या फिर फोटोशॉप में कुछ डिज़ाइन बनाने वाले होते हैं तो हम लोग यहाँ पे आपको पता ही RGB कलर्स की यूज़ करते हैं या फिर CMYK बिट मैप वगैरह को हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट क्लास मैंने बताया था कि बिट मैप में 2 कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ग्रे स्केल में आप तो ग्रे स्केल में आपको 255 कलर शेड्स मिलते हैं। RGB तो आपका मॉनिटर का कलर है एंड देन CMYK फॉर प्रिंटिंग, ओके। तो RGB और CMYK आपको पता है। तो हम लोग आते हैं आज के जो हमारा मेन टॉपिक है, ये नहीं है, मेरा मेन टॉपिक आज के ऊपर है बिट डेप्थ, ओके। तो ये है क्या लाइक 8 bit, 16 bit एंड देन 32 bits, ओके। तो हम लोग ये देखने वाले हैं आज, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट मैं लेता हूँ यहाँ पे 8 bit एंड देन यहाँ पे मैंने विड्थ ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ पिक्सल में, आप यहाँ पे पिक्सल ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पिक्सल में, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने विड्थ लिया है वो ले लेता हूँ मैं लाइक 500 pixels एंड देन हाइट हमारा रहेगा लाइक 200 pixels, सॉरी यहाँ पे 200 pixels, या फिर मैं इसको थोड़ा सा 800 pixel by 200 pixel का मैंने ले लिया है। रेजोल्यूशन आप 300 रखो, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को देखना है 8 bit, 16 bit देखना है। एंड देन नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है वो है 8 bit, तो आप इसको फर्स्ट क्रिएट कर लो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा आ गया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा एक डॉक्यूमेंट जो आया है वो है कम्प्लीटली 8 bit, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगेन मैं सेम चीज़ करता हूँ, आप चाहो तो इसके डुप्लीकेट भी बना सकते हो, लेकिन मैं जाता हूँ एडिट एंड देन अगेन न्यू ले लेता हूँ एंड देन सेम डॉक्यूमेंट साइज़ रखता हूँ, बट 8 bit को मैंने क्या किया यहाँ पे कन्वर्ट करके अभी मैंने 16 bit रख लिया है कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा जो है वो 16 bit है, ओके। तो 8 bit, 16 bit दो आ गए मेरे पास। आप चाहो तो 32 bits भी ले सकते हो, बट आपको इधर ही डिफरेंस पता चल जाएगा, बट मैं फिर भी ले लेता हूँ यहाँ पे न्यू में जाकर। मैंने यहाँ पे ले लिया 32 bit, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 different डॉक्यूमेंट साइज़ मैंने ले रखे हैं, 8 bit, 16 bit एंड देन 32 bits, ओके। तो ये मेरे 3 यहाँ पे आ चुके हैं। आप चाहो तो इसको अरेंज कर सकते हो, विंडो में आप चले जाओ एंड देन यहाँ पे आप जाकर वर्क स्पेस में जाकर अरेंज में चले जाओ एंड देन अरेंज में यहाँ पे टाइल्स हॉरिजॉन्टल आप ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ओके। अब ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1, 2 एंड देन 3 हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं फर्स्ट पे आता हूँ, फर्स्ट वाले को आप सेलेक्ट कर लो, 8 bit को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्रेडियंट पे, बिकॉज ग्रेडियंट पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग किस तरह के हमें कलर यहाँ पे मिलने वाले हैं 8 bits में। तो मैं अगेन क्लिक करता हूँ यहाँ पे एंड देन बेसिक में जाना है और आप यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर को आप पिक कर लो। आपको सिंपल सा जब भी आप लोगे तो लीनियर ही आप ले लेना एंड देन शिफ्ट प्रेस करके मैंने क्या किया इसे यहाँ से यहाँ पे क्रिएट कर दिया कलर। तो आप देख सकते हो कि इसमें मैंने ब्लैक एंड वाइट मैंने रखा हुआ ग्रेडियंट एंड देन सेकेंड वाले में जो मेरा 16 bit है उस पर भी मैंने सेम चीज़ ले लिया है यहाँ से यहाँ तक एंड देन जो लास्ट वाला है उसे भी मैंने सेम कलर फिल कर दिया यहाँ से यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट। तो तीनों में मैंने ब्लैक एंड वाइट हमारा ग्रेडियंट मैंने रख लिया है। तो ये 8 bit, 16 bit एंड देन 32 bit, तो तीनों हमारे पास आ गए यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा ग्रेडियंट है वो मैं अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रेस्टराइज क्लियर कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, इसे डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो मैं सब पे मैं वैसे ही कर लेता हूँ यहाँ पे जाकर, फर्स्ट राइट क्लिक, आपको करना क्या है यहाँ पे जाओ राइट क्लिक रेस्टराइज कर लो एंड देन इस वाइट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके। एंड देन लास्ट वाले को भी मैं क्या करता हूँ राइट क्लिक यहाँ पे एंड देन यहाँ पे जाकर आपको रेस्टराइज कर लेना है एंड देन मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ ग्रेडियंट ही बचे हुए हैं। अब आपको क्या करना है ग्रेडियंट पे जाना है एंड देन कंट्रोल एल प्रेस कर दो आप,
कंट्रोल एल से लेबल्स होते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके कलर जो होते हैं 0 टू 255 आपके रेंज में आते हैं। जो कलर का रेंज होता है वो 0 टू 255 भी होते हैं, तो आपको यहाँ पे वो मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट वाले में जाता हूँ एंड देन 110 से लेकर मैंने इसका रेंज कर दिया 148 तक। ओके, तो फर्स्ट मैंने तो ये कर दिया, यहाँ पे रेंज इसका मैंने ले लिया है 110 टू 148। सेकेंड वाले में भी सेम कंट्रोल एल सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको ले लेने हैं 110 टू 148। ओके, एंड देन लास्ट वाले को भी मैंने कुछ वैसे ही ले लिया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 110 टू 148। मीन्स ये वन काइंड ऑफ आप जूम कर रहे हो किसी भी चीज़ को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने कलर्स को आप जूम कर रहे हो, लेबल्स जो है कलर के उसको आप जूम कर रहे हो, राइट, वन काइंड ऑफ। तो मैंने कर दिया, अब फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे 8-bit पे। अब मैं इसको और ज़्यादा जूम करता हूँ, जो हमारे कलर सेपरेशन के लिए मैं जा रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन 110 कर देता हूँ एंड देन लास्ट पे मैं क्या करता हूँ 148। ये देखो, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, आप देख सकते हो कलर जो है वो सेपरेट होने स्टार्ट हो गए। आई मीन आपको एक एज हार्ड एजेस दिखना स्टार्ट हो गया, बिकॉज ऑफ कि ये ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ज़्यादा कलर्स हैं नहीं इसके लिए। अब मैं फिर से आता हूँ सेकेंड नंबर पर, कंट्रोल एल कर देता हूँ, बॉटम का काम खत्म हो गया। टॉप में आप क्या करो, 110 से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अगेन 148। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कलर और यहाँ के कलर में बहुत डिफरेंस है। अभी भी जो 16-bit है उसमें हमारा कलर जो हो रहा है डिस्टॉर्ट नहीं हो रहे हैं, मीन्स किसी भी तरह से वो हमारा हार्ड एजेस क्रिएट नहीं हो रहा है। ओके, एंड देन सेम थिंग मैं करता हूँ 32-bit में भी, तो कंट्रोल प्लस एल कर दो एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ 110 टू 148, दैट्स इट। तो आप क्लियरली आप देख सकते हो कि आपके जो कलर्स हैं ना वो ज़्यादा बेटर जो आ रहे हैं वो है 16-bit में या फिर 32-bit में। तो 32-bit से भी ज़्यादा हमारा जो कलर है, सॉरी 16-bit से भी ज़्यादा जो कलर है हमारा वो 32-bits में है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 8-bit कलर ले रहे हो, कोई भी कलर हो सकते हैं, जब आप 8-bit कलर्स आप यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब यही होता है कि उसमें 16.7 मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं। जब आप जाते हो 16-bit में तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं। मीन्स इसका मतलब यही होता है कि आपके पास जो कलर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से आपको क्या होता है, जो आपको जो क्वालिटी मिलते हैं उसमें कलर डेप्थ बहुत होते हैं। ओके, तो बेसिकली बोलने का मतलब ये होता है कि 8-bit, 16-bit एंड 32-bits में ये डिफरेंस आते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग फोटोशॉप के न्यू टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।